अचीरा जैन। मेरा टॉपिक है महावीर जीवन, महावीर जी का जीवन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान थे। उनका जीवन अहिंसा और अहिंसा में था। 599 वर्ष पहले वैशाली गांव में राजा सिद्धार्थ और माता श्रीमती को एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान बचपन से बड़े तेजस्वी थे। 8 साल की उम्र में जब उन्हें गुरुकुल भेजा गया तो उनके शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द याद करने दिए। शब्द याद करने के थोड़े देर बाद शिक्षक ने देखा कि वर्धमान बैठे हुए हैं। वो गए, उन्होंने वर्धमान को बुलाया, बोला अपना समय व्यस्त करने से जगे तुम जो मैंने शब्द दिए हो याद क्यों नहीं करते। वर्धमान ने वो शब्द सब बोल के दिखा दिए। ये देख के शिक्षक चौकित रह गए। ये शौक में वो जब तक थे उतने देर में एक सदगुरु आए और उन्होंने शिक्षक को कुछ प्रश्न पूछे। शिक्षक को प्रश्न आए नहीं, सदगुरु जी ने बोला क्या ये प्रश्न मैं आपके नए बालक को पूछूं? तो शिक्षक ने बोला जरूर। उन्होंने ये प्रश्न वर्धमान को पूछे। उन्होंने बिना हिचकिचाए सारे जवाबों के आंसर सही दे दिए। ये देख के शिक्षक और चौकित हो गए और वो सोच में पड़ गए कि इतने से बालक ने ये सारे उत्तर कैसे दे दिए। उतने में सदगुरु जी बोले ये तीर्थंकर है, आगे चल के ये तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर बचपन से ही सारा ज्ञान प्राप्त रखते हैं। फिर शिक्षक राजा सिद्धार्थ के पास गए और उन्होंने बोला कि इसे गुरुकुल जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर थोड़े दिनों बाद वर्धमान जी बड़े होते गए और उनका ज्ञान भी बढ़ता गया। एक दिन वर्धमान जी बैठे हुए थे जब उनके बड़े भाई नंदीवर्धन आए। वर्धमान ने पूछा ये जो पेड़ होते हैं वो कुछ झुके हुए रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, ऐसा क्यों? नंदीवर्धन ने बोला इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो वर्धमान बोले क्योंकि सब जन एक ही लिस्ट से खाते हैं, एक ही रूट से लेते हैं, तो भी कुछ ज्यादा ले लेते हैं और कुछ कम। जो ज्यादा ले लेते हैं वो वजन के साथ नीचे ही रह जाते हैं और जो कम लेते हैं वो अपने अपने ऊपर जाते हैं। वैसे ही हम अगर अपने दुनिया का ज्यादा ना सोचे और लालच ज्यादा ना करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर हम वही लालच पैसा पैसा करते तो हम भी झुक जाएंगे। फिर जब उनकी उम्र 28 ईयर्स की हुई उनके माता पिता का देहांत हो गया। इस वक्त उन्हें सोचा कि उनके दीक्षा के भाग जागृत हुए। नंदीवर्धन ने बोला कि नहीं और थोड़े दिन रुक जाओ। फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। फिर अभी जो वो जा रहे थे चातुर्मास के लिए तो सिद्धार्थ राजा के मित्र क्या रुके। सिद्धार्थ राजा जी ने उन्होंने जो सिद्धार्थ राजा जी के दोस्त ने वर्धमान जी को एक झोपड़ी दी। उधर वो ध्यान करते थे और बाहर पे कुछ ध्यान नहीं देते थे और उस झोपड़ी के जो सूखे हुए घास थे वो गाय आके खा जाती थी। तो ये देख के उधर जो वो लोग रहते थे वो जो ओनर था उधर का उसे ये सब बोलने लगे। तो फिर जो राजा जी के दोस्त थे उन्होंने महावीर जी को बोला कि आप चिड़िया भी अपने घोंसले का ख्याल रखती है, आप तो राजकुमार हो, आप तो इतना ध्यान दे ही सकते हो, उम्मीद है कि ये आगे मुझे फिर से सुनना ना पड़े। इसके बाद राजा जी ने झोपड़ी छोड़ दी और वो जंगल में रहने लगे। फिर जंगल में रहते रहते उन्होंने एक दिन एकदम ध्यान में बैठे थे जब एक अंजन व्यक्ति आया और उन्होंने बोला हे प्रभु ये मेरी गाय मैं इधर छोड़ के जाता हूँ, आप इनका ध्यान रखें। बिना उत्तर सुने वो चले गया। वो आया थोड़ी देर के बाद तो उसने देखा अरे
मेरी गाय इधर है ही नहीं। तो इधर उधर ढूंढा उसने, महावीर जी को पूछा, महावीर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो जंगल में चले गया ढूंढने को। रात हो गई, वो आया, देखा गाय तो आ चुकी थी, महावीर जी के पास बैठी थी। उस व्यक्ति को लगा इन्होंने जरूर मुझे सताने के लिए ऐसा किया होगा। वो जो गाय जिससे बांधने के लिए रस्सी थी उससे वो महावीर जी को मारने वाला था कि साधु जी आए और उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो तुम बोल, ये फ्यूचर के तीर्थ है। ऐसे महावीर जी जिन्होंने हमारी संस्कृति और हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाया, इस महावीर जी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया।